सीजी गवर्नमेंट मिलेट्स प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रही है। ओ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज आप यहाँ फॉर ड्राईलैंड फार्मर्स खास करके आदिवासी लोग हैं, हिल एंड ट्राइब्स में ग्रो करते हैं। अभी जो मिलेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं बोले तो आदिवासी लोगों को सपोर्ट करना डायरेक्ट है या नहीं, उनका इनकम्स बढ़ा रहे हैं क्योंकि आई थिंक दे आर डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब। बट द थिंग इज़ दैट उनको अभी थोड़ा कैपेसिटी बिल्डिंग देना है, ट्रेनिंग करवाना है, उनको ये ब्रांडिंग वीडिंग ये सब जानते ने, उनको ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग देना है ताकि उनके प्रोडक्ट्स पहुँच कर इंडिया और इंटरनेशनल पे भी जा सकता है। तो IIMR यही दिशा में काम कर रहे हैं ताकि इन लोगों को लेकर, हम अकेले नहीं कर रहे, हमारे साथ ये शेफ जैसे लोग हैं, कोई इंडस्ट्री है, स्टार्टअप है, इन लोगों को जोड़ना चाहते हैं सभी को, ताकि उन लोग ये आदिवासी लोगों से खरीदते हैं तो उनका कुछ फ़ायदा भी होगा, इनका भी फ़ायदा होगा। ऐसे इस पूरे स्टेक होल्डर्स को बना के हम आगे ले चलना चाहते हैं। किसानों को शुरू से तो ये इसको बेचते नहीं थे, वो अपने आम आदमी अपने लिए खाते थे, मगर आजकल के ज़माने में इसका न्यूट्रिशन वैल्यू, हेल्थ बेनिफिट्स और क्लाइमेट रेसिलियंस ये सारे देखते हुए उनको इसमें दे आर स्टार्टेड सीइंग मनी इन इट। सो ये नया चीज़ होते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करा बोले तो इसका मतलब है उसमें कुछ वैल्यू है, प्रॉफिट या इनकम की वैल्यू दिखाता है। तो विद द न्यू एमर्जिंग पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट इसका आने वाले दिन में किसान इसको ज़्यादा बोना चाहिए, ही शुड बी एबल टू इंक्रीज द कल्टिवेशन अंडर दैट बिकॉज ही हैज़ टू सेल द प्रोड्यूस। एक तो अपना दान को बेचने से सकता है, दूसरी चीज़ इसको वैल्यू एडिशन करके वैल्यू एडिशन से आगे भी बढ़ सकता है ताकि उनका इनकम लेवल बढ़े। आजकल दोगुने का डबलिंग फार्मर्स इनकम बोल रहे हैं ना, तो ऐसी नौबत ये कोड़ो कुटुबी में भी आ गया, सो देन आई थिंक द फार्मर्स विल बी वेरी हैप्पी टू सो एंड इंक्रीज देयर एरिया एंड टेक इट टू द वर्ल्ड मार्केट ऑल्सो। मिलेट्स के कई तरह से बेनिफिट्स होगा, खास करके अभी इसमें जो मिनरल्स होते हैं ना वो काफ़ी है, जैसे कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, आयरन भी हो। जैसे रागी, जब रागी कहलाया जाता है उसको मिल्क में जितना कैल्शियम है उससे दो गुना ज़्यादा है, जैसे 364 mg पर एवरी 100 ग्राम्स रहेगा। तो बाजरा में ज़्यादा है, वैसे कोडो कुटकी भी है जो मिलेट्स है, उसमें देर आर सेवरल मिनरल्स दैट आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द ब्रिंगिंग सम सॉर्ट ऑफ ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ऑल द डिजीजेस। सो इसको बहुत प्रबंध करके, वो एक तो मिनरल्स का है, दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्लो रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो इसका मतलब है आपको लाइफस्टाइल डिजीजेस जो बोलते हैं, डायबिटीज हो या कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो, ओबेसिटी हो, इन सब लोगों को निपटने के लिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका कम है, मीडियम टू लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैटेगरी में आता है। इससे कार्बोहाइड्रेट स्लोली रिलीज करके अपने ग्लूकोस, स्लो रिलीज ऑफ ग्लूकोस इन द ब्लड स्ट्रीम, सो दैट विल हेल्प इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर ऑल्सो। सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर ऑल्सो हैविंग रेसिस्टेंट स्टार्च। हमारा गट माइक्रोबायोम बोलते हैं आजकल, इसमें जो गुड बैक्टीरिया रहता है उसके लिए फूड के इस्तेमाल, दे कैन फॉर्म द फूड फॉर दोज बैक्टीरिया सो दैट दे कैन रियली जस्ट वर्क इन अवर गट इन ब्रिंग इन एंड कंट्रोल, टेक द एसिडिटी पार्ट ऑफ इट, एंड दिस इज दैट इज़ वॉट वी कॉल एज प्रोबायोटिक्स। सो दे आर ऑल्सो प्रोबायोटिक्स इन नेचर। सो ये ढेर सारे व्याधि है, जैसे NAFLD नेशनल वॉट यू कॉल इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो सकता है, डिसलिपिडीमिया हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, या अभी ग्लूटन फ्री, तो सीलियाक डिजीज के उससे भी हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें ग्लूटन नहीं रहता। तो इफ़ यू लुक इन टू इवन इसमें जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जैसे फ्री रेडिकल्स ये काम करते हैं कि उसको न्यूट्रलाइज रेडिकल्स जो जनरेट होते हैं रेडिएशन के द्वारा किसी और तरह, उसको जब तक न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए इट मे लीड टू कैंसर। सो इन लोग मिलेट्स में ऐसी चीज़ होता है वो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता, प्लस माइनस इवन करके फिर उसको आपका सेहत बनाने के लिए और प्रिवेंट कैंसर डिजीजेस, कोलन कैंसर या ऐसे कैंसर्स को उसको डिस्टॉर्ट करने के लिए ये दीज आर वेरी यूजफुल टू द एवरीवन। सो इतने सारे बेनिफिट्स है इसमें, इंडियन IIMR का योगदान यही है। इसमें जब किसी को
मिलेट्स के बाद इसे सारे आ रहे हैं, मगर जितने भी हाइब्रिड्स वैरायटीज आ रहा है और उसका उत्पादन बढ़ रहा है, जब तक खाने वाले नहीं हैं तो क्या फ़ायदा है। तो हमारा सोच विचार बदल के हम ये किया है कि सप्लाई तो ठीक है, डिमांड साइड भी उसका करना है। तो डिमांड साइड करने के लिए काफ़ी गैप्स था, ये गैप्स को पूरा फिल करने में काफ़ी टाइम लगा, 10 साल का पूरा काम लगे। तो बिकॉज इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, इसमें खाने के लिए बहुत मुश्किल था और इसका न्यूट्रिशन कई लोगों को मालूम नहीं था, इसमें ग्रेड्स नहीं हैं, स्टैंडर्ड्स नहीं हैं, कुछ भी नहीं था, क्योंकि सारे दुनिया तो वीट राइस उसके पीछे रिसर्च चलने लग गए। ये तो हमारा भारत का ट्रेडिशनल ग्रेन है, हम भारत खुद इसको नेगलेक्ट कर चुके हैं।